साफ मुलायम और चिकने पैर कौन नहीं चाहता। भले से कई लोग सोचते हैं कि पैरों का ख्याल क्या रखना, लेकिन आपको बता दूं कि आपके जो पैर है उसी तरह आपकी पर्सनालिटी के बारे में जानकारी देते हैं जितने कि आपके जूते। तो इसलिए अपने पैरों का ख्याल ज़रूर रखें। अच्छी बात यह है कि आपके पैर जितनी तेज़ी से रूखे सूखे या फट जाते हैं उतनी जल्दी ही आपके पैरों को ट्रीट किया जा सकता है। आज की वीडियो में जो भी टिप्स मैं आपको बता रही हूँ सिर्फ उसको फॉलो कर लीजिए। सिर्फ एक हफ्ते में गहरी से गहरी फटी एड़िया हो या रूखे सूखे खुरदुरे पैर हो, सारी चीज़ें हटके बिल्कुल आपके पैर सॉफ्ट स्मूथ मुलायम और एकदम ब्राइट और चिकने हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के वीडियो से। सबसे पहले हम हमारे पैरों को क्लीन करेंगे। इसके लिए आप एक फुट स्क्रबर लेंगे और उससे अपने पैरों को अच्छी तरीके से इस तरह से रब करें, स्क्रब करें और क्लीन करें। इससे आपके पैरों पे लगी जो भी डेड स्किन है, रफ स्किन है, वो इस तरह पाउडर बनके निकल जाएगी। तो अपने हाथों को बार बार चेक करते रहे कि वो निकल रही है कि नहीं, कहीं और ज़्यादा खुरदुरापन है तो वहाँ पर उसको अच्छी तरीके से रब करें और अपने सारे डेड स्किन को कम्प्लीटली रिमूव कर दीजिए इस तरह से। जैसे ही बिल्कुल निकल जाते हैं उसके बाद में आप ये फुट क्रीम लगाएं जो मैं आगे वीडियो में बनाने वाली हूँ, लेकिन फिलहाल मैं आपको बता रही हूँ कि ये क्रीम को आपको लेके इस तरह से लगा देना है और फिर अपने पैरों पे अच्छे से सॉक्स पहन लेना है, मोजा पहन लेना है और रात में आपको ऐसे ही सो जाना है। दूसरे दिन मॉर्निंग में अपने ये सॉफ्ट और मुलायम पैरों के साथ में आपको करना है एक पेडीक्योर ट्रीटमेंट। इसके लिए सबसे पहले हम लेंगे एक टब और इसमें हम डालेंगे ढेर सारा गर्म पानी। फिर आपको इसमें डालना है आधा कप हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये आपके स्किन को हार्म नहीं करता, उल्टा है आपके स्किन के लिए हेल्पफुल होता है अगर आप इसको पानी के साथ में डाइल्यूट करके और बिल्कुल जितना बताया गया उतना ही यूज़ करोगे। तो फिर आपको इस पर डालना है 2 बड़े चम्मच शैम्पू की और इसमें डालना है थोड़ा सा डेटॉल। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए और अपने पैरों को इसमें डालकर 10 मिनट के लिए ऐसे ही बैठ जाए। 10 मिनट बाद आप एक ब्रश लेकर अपने पैरों को अच्छी तरीके से ब्रश कर लेंगे, क्लीन कर लेंगे और एक छोटा सा टूथब्रश भी ले लीजिए अपने छोटे छोटे एरियाज़ को कवर करने के लिए, जैसे कि आपके नेल्स और आपके फिंगर्स के बीच में जो भी पार्ट्स होते हैं उनको अच्छे से क्लीन करने के लिए। और उसके बाद में अगेन आप लेंगे फुट स्क्रबर जो हमने लिया था, उसी से ही आप अपने पैरों की जो स्किन है, अभी उस वक्त हमने डेड स्किन निकाली थी, ड्राई सेल्स निकाले थे, इस वक्त कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो सूखे में निकलते, कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो गीले होने पर निकलते हैं, तो इस वक्त भी आप अपने पैरों को अच्छे से रब करें ताकि आपकी स्किन जो है वो ऑलमोस्ट क्लीन हो जाए। ठीक है, इसके बाद में आप अपने पैरों को बाहर निकाल दीजिए, अच्छे से क्लीन कर लीजिए, अच्छे से पोंछ लीजिए और इसके बाद में हम लगाएंगे स्क्रब, फुट स्क्रब, जिसके लिए हम लेंगे थोड़ी सी मसूर की दाल। मसूर की दाल को आपको अच्छी तरीके से भिगो लेना है कम से कम 1 से 2 घंटों के लिए और फिर उसके बाद में आप इसको मिक्सर जार में डालेंगे, गीली सूखी हुई यानी सोख की गई मसूर की दाल को। फिर आपको इसमें डालना है थोड़ा सा दूध और डालना है थोड़ा सा दही। दूध और दही दोनों का कॉम्बिनेशन आपको इसमें डालना है भले से आपकी स्किन टाइप कुछ भी हो। फिर आपको इसमें डालना है थोड़ा सा हल्दी पाउडर, ये घर का बनाया हुआ हल्दी पाउडर जो मैंने बनाया था। फिर आपको इसमें डालना है थोड़ा सा कोकोनट ऑयल। ये सारी चीज़ों को अच्छे से डाल के आप इसको अच्छी तरीके से मिक्सर में ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करने के बाद ये रेडी हो गया आपका फुट स्क्रब जो सिर्फ आपके स्किन से डेड सेल्स को रिमूव नहीं करेगा बल्कि आपकी स्किन को ब्राइटन अप करेगा, आपकी स्किन को चमकाने में, चिकनी बनाने में, सॉफ्ट और मुलायम बनाने में हेल्प करेगा। अच्छी तरीके से अपने पैरों को इससे स्क्रब कर लीजिए, ऊपर नीचे आगे पीछे जहां आपको स्क्रब करना है कर लीजिए, फिंगर्स के बीच में कर लीजिए। जो भी फंगस है या किसी तरीके का आपको प्रॉब्लम होता है, फंगल इन्फेक्शन होता है, वो भी सारी चीज़ें ये स्क्रब उसको ठीक कर देती है। तो अच्छी तरीके से अपने पैरों पर ये स्क्रब कर लीजिए, उसके बाद में आपको वेट करना है 5 से 10 मिनट के लिए, फिर अपने पैरों को वॉश कर लीजिए। अगर आप इस पेडिक्योर ट्रीटमेंट में जो मैं सॉफ्ट मुलायम बनाने की आपके पैरों को कोशिश कर रही हूँ, लेकिन अगर आप स्किन लाइटनिंग और ब्राइटनिंग वाला भी इफेक्ट चाहते हो, अगर आपके पैर बहुत ज़्यादा डल हो गए, डार्क हो गए हैं, डार्क स्पॉट्स आ गए, पिगमेंटेशन हो गए, उसको दूर करना चाहते हो, तो आप ये फुट पैक भी लगाएं। स्किन ब्राइटनिंग वाला फुट पैक बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए ऑरेंज पील पाउडर। घर का बनाया यूज़ करें सबसे बेस्ट होगा, नहीं आपके पास तो रेडीमेड यूज़ करना चाहो तो मेरी तरह आप ये एल्प्स गुडनेस का ऑरेंज पील पाउडर यूज़ कर सकते हो। फिर इसमें आपको ऐड करना है अम्बा हल्दी। अगेन आप अम्बा हल्दी अपने घर की यूज़ कर सकते हो, इतना टाइम नहीं है घर पर बनाने के लिए, तो आप एल्प्स गुडनेस के जो भी सारे पाउडर्स है वो यूज़ कर सकते हो, बिल्कुल नेचुरल और प्योर होते हैं, तो मेरी तरह आप ये अम्बा हल्दी पाउडर भी यूज़ कर सकते हो। फिर आपको इसमें डालना है दही। दही के बाद आपको इसमें डालना है अच्छा खासा रेड वाले टमाटर का जूस। इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए। ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है ना जिसको आप अपने फेस पे भी लगा सकते हो, लेकिन ये आपके पैरों की जो ज़्यादा से ज़्यादा डार्कनेस होगी, स्पॉट्स हो गए, धब्बे हो गए जो कई वक्त से नहीं जा रहे होंगे, इसको यूज़ करने के बाद ना आपके पैर इतने ज़्यादा लाइटन दिखेंगे, इतने ज़्यादा खूबसूरत दिखेंगे, इतने ज़्यादा आपके पैरों से जो भी डार्कनेस है वो चली जाएगी कि आपको ऐसा लगेगा कि इस पैक को मैं हर जगह अपनी पूरी फुल बॉडी पर यूज़ करूँ। इसको अच्छी तरीके से अप्लाई कर लीजिए। ये आपकी स्किन से जो भी पिगमेंटेशन है, डार्क स्पॉट्स है,
पैचेस से उसको रिड्यूस करेगा, आपके पैरों को ये निखारेगा, आपकी रंग को ये निखारेगा। इसको अच्छी तरीके से अप्लाई करने के बाद में आपको वेट करना है तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। गाइस सिर्फ 15 से 20 मिनट में ये आपके पैरों की जो काया है ना वो ही पलट के रख देगा। तो प्लीज़ इसको मैं ये कहूँगी कि इसको स्किप ना करें, भले से ही हमारा सॉफ्टनेस वाला ट्रीटमेंट है लेकिन इसमें हम लाइटनिंग वाला पार्ट भी ज़रूर ऐड करेंगे, ठीक है। इसके बाद में इसको वॉश कर लीजिए 20 मिनट के बाद। वॉश करने के बाद हम करने वाले हैं एक डीप ट्रीटमेंट। इस ट्रीटमेंट के लिए मैं लेने वाली हूँ थोड़ा सा कोकोनट ऑयल, थोड़ा नहीं इतना कोकोनट ऑयल कि आपके पैर जो है वो इसमें डूब सके, इतना आपको कोकोनट ऑयल लेना है। या फिर आप कोकोनट ऑयल की जगह ऑलिव ऑयल या जो भी ऑयल है जैसे सनफ्लावर ऑयल जो आपके पास होगा आप उसको ले सकते हो, कोकोनट ऑयल मेरा फेवरेट है। फिर आपको इसमें डालना है थोड़ा सा कैंडल वैक्स, ठीक है। आप यहाँ पे बीज वैक्स यूज कर सकते हो लेकिन यहाँ पे जरूरत नहीं है बीज वैक्स की, तो आप कैंडल वैक्स भी ले सकते हो जो काफी सस्ता होता है और आपके लिए इफेक्टिव भी होगा। थोड़ा सा कैंडल वैक्स ले लीजिए, इसको इसमें डाल दीजिए, हल्का से इसको गर्म कर लीजिए तब तक जब तक आपका जो वैक्स है अच्छी तरीके से पिघल नहीं जाता। जैसे ये पिघल जाएगा तब आपको इसमें अपने पैरों को डाल देना है। पैर डालते वक्त आप अपने पैरों का ख्याल करें और डालने से पहले आप अपने हाथों से इसको थोड़ा सा चेक कर लीजिए। ये इतना भी ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए कि आपके स्किन को ये हार्म कर सके और इतना भी ठंडा नहीं होना चाहिए कि वैक्स जो है वो पहले ही जम जाए। जिस तरह से मैं डाल रही हूँ आप अपने पैरों को बिल्कुल इसी तरह से डाल सकते हो चेक करते हुए धीरे धीरे, और जब डालोगे धीरे धीरे वैक्स जो है वो आपके पैरों में इस तरह से जमने लगेगी। ये गाइस एक डीप ट्रीटमेंट है आपकी स्किन के लिए, आपके पैरों के लिए, जो आपके पैरों को सॉफ्ट स्मूथ और मुलायम बनाएगी, आपके गहरे से गहरे जो भी फटी एरिया है या रफनेस है इन सबको ये खत्म कर देगी। जब अपने पैरों को आप इससे बाहर निकालोगे वैक्स जो है वो जम जाएगी। उसके बाद में आपको एक पॉलीथीन जो है प्लास्टिक जो होती है उसको आपको पहन लेना है। रात में आपको ये चीज़ करनी है, उसके बाद में आपको सो जाना है। रात भर पॉलीथीन को अपने पैरों में वैक्स के साथ में ऐसे ही रहने दें। दूसरे दिन जब आप उठोगे पॉलीथीन निकाल लीजिए, फिर जो वैक्स जमी हुई होगी उसको निकाल लीजिए। दिन भर आप अपने पैरों में सॉक्स को पहने ही रहे तकरीबन 10 से 12 घंटे के लिए, और 10 से 12 घंटे के बाद में जब सॉक्स को आप निकाल दोगे आपके पैर ना अनबिलीवेबली अमेजिंग तरीके से इतने मुलायम इतने सॉफ्ट हो जाएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। ये एक ऐसा डीप ट्रीटमेंट है आपके पैरों के लिए जो ना सिर्फ आपके पैरों से रफ स्किन डल स्किन को दूर करेगा बल्कि आपके पैरों को सॉफ्ट मुलायम बनाएगा, आपके पैरों को डीपली कंडीशन करेगा, आपकी स्किन को ये लाइटन करेगा, इफेक्टिवली ब्राइटन करेगा। आप अपने पैरों में अपने रंग में निखार देख पाओगे, चमक देख पाओगे, आपके पैरों की स्किन इतनी ज्यादा सॉफ्ट और मुलायम हो जाएगी कि आप सोच भी नहीं सकते। वैसे तो गाइस ये वाला प्रोसेस बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है, लेकिन अगर आप ये नहीं करना चाहते तो जो शुरू में मैंने फुट क्रीम बताई थी वो आप लगा सकते हो, और जिसको बनाने के लिए मैंने लिया यहाँ पे थोड़ा सा एलोवेरा जेल। ये गुड वाइब्स का एलोवेरा जेल है जिसमें आपको डालना है थोड़ा सा लैवेंडर एसेंशियल ऑयल, जितने भी अब तक एसेंशियल ऑयल है मैंने गुड वाइब्स के ही यूज किए लैवेंडर एसेंशियल ऑयल। फिर इसको अच्छी तरीके से आपको मिक्स कर लेना है, इसको साइड में रखना है। अब आपको लेना है एक पैन और आपको इसमें डालना है कैंडल वैक्स और डालना है थोड़ा सा कोकोनट ऑयल। इसमें आपको कैंडल वैक्स ज्यादा नहीं डालना, अगर आप पहला वाला प्रोसेस करते हो तो उसमें आपको ज्यादा डालना है। इसमें बस आप थोड़ा सा कैंडल वैक्स डाले, इसको अच्छे से पिघलने दे। जब ये पिघल जाएगा तब इसको लेकर आप जो एलोवेरा का मिक्सचर हमने बनाया उसमें डाल दीजिए, इसको अच्छी तरीके से मिक्स करते रहे। और ये रेडी हो गई आपकी फुट क्रीम जिसको आप अपने पूरे पैरों पे लगा सकते हो, फटी एरियो पे लगा सकते हो। ये आपकी फटी एरियो को भर देगा, आपकी स्किन से रफ और डेड स्किन सेल्स को निकाल देगा, आपकी स्किन को बिल्कुल सॉफ्ट और मुलायम बनाएगा, बिल्कुल बेबी सॉफ्ट बनाएगा। ये क्रीम हम शुरू में और एंड में दोनों जगह यूज कर सकते हैं। सो गाइस ये था मेरा आज का वीडियो जिसमें मैंने आपको एक ऐसा ट्रीटमेंट शेयर किया है जिसके बाद आप अपने पैरों के लिए कभी कोई पार्लर सैलून जाके महंगे महंगे पेडिक्योर नहीं करवाओगे, ना ही आपकी एरिया कभी फटेगी। सो गाइस मुझे पता है बहुत ही अच्छा वीडियो है और इसको आप जरूर ट्राई करोगे। वीडियो पसंद आया है तो मैं आपको कहूंगी कि प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और प्लीज इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी जरूर शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे बहुत सारे वीडियोस के लिए। गाइस मैं आपको मिलूंगी मेरे अगले वीडियो में से बहुत सारे अच्छे अच्छे ट्रीटमेंट्स के साथ में जो आपकी स्किन और आपके हेयर का ख्याल रखेंगे इस विंटर सीजन में भी। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।